हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, हुकूमत ने ज़खीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के दौरान पकड़ी गई चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया सूबाई हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज़ कम कीमतों के 50% पर यूटिलिटी स्टोर को फरोख्त करने का फ़ैसला किया है। चीनी समेत दीगर पकड़ी जाने वाली अशिया की खरीदारी में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से अदम दिलचस्पी की सूरत में इन्हें कस्टम्स ऑक्शन रूल 2001 के मुताबिक आम नीलामी के लिए पेश कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस को दस्तयाब दस्तावेज़ के मुताबिक ज़खीरांदोज़ी और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के दौरान पकड़ी और जब्त की जाने वाली चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की नीलामी के बारे कस्टम जनरल ऑर्डर नंबर 3 जारी कर दिया है, जिसके ज़रिए 15 जून 2002 को जारी करदा कस्टम जनरल ऑर्डर नंबर 12 में ज़रूरी तरमीम कर दी हैं। तरमीम में कहा गया है कि ज़खीरांदोज़ी और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के दौरान पकड़ी और जब्त की जाने वाली चीनी समेत दीगर अशियाई ज़रूरिया की फरोख्त का इख्तियार मुतलका कलेक्टर और डायरेक्टर को दे दिया गया है, जिस कलेक्ट्रेट व डायरेक्ट्रेट की हदूद में ज़खीरांदोज़ी और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के दौरान चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया पकड़ी और जब्त की जाएंगी, वही मुतलका कलेक्टर और डायरेक्टर सबसे पहले जब्त शुदा अशिया ज़रूरिया सूबाई हुकूमतों के नोटिफाई करदा कीमतों के 50% पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को फरोख्त करेंगे। अगर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इन अशिया की ख़रीदारी में अदब दिलचस्पी का जाहिर करती है तो इस सूरत में 18 जून 2001 को जारी करदा नोटिफिकेशन नंबरी 450/2001/1 के ज़रिए जारी करदा कस्टम्स ऑक्शन रूल 2001 के तहत आम नीलामी के लिए पेश की जाएंगी। दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो का एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।